स्कूटी तैयार हो चुकी है और ये भैया लोग हैं, इनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ यहाँ से। हेलो बोलो यार। थैंक यू यार, आप लोग, इन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और ये मेरी, आप लोग देख सकते हो स्कूटी तैयार है और ये देखिए खड़ी हुई है। फाइनली मुझे चाबी मिल रही है और ये देखिए मैं भैया से चाबी ले रहा हूँ, मुझे आज गाड़ी की चाबी मिल गई है और हम लोग चलते हैं सीधे मंदिर। भैया हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और मंदिर चलते हैं और मंदिर में थोड़ा नारियल वगैरह सिर्फ फोड़ते हैं गाड़ी के ऊपर नहीं, अलग से। और जो खुशी मुझको हो रही है मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ अपने शब्दों से। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज तारीख है 10/4/2019 और दिन है बुधवार और आप लोग जैसे कि जानते हैं नवरात्र यानी अच्छे दिन चल रहे हैं और मेरे ख्याल से तीसरा चौथा नवरात्र चल रहा है और मैं काफी दिन से प्लान बना रहा था अपने लिए एक स्कूटी लेने का, जो कि काफी अच्छी होती है, आप कुछ भी उसमें कैरी कर सकते हो, रख सकते हो, आसानी से कोई भी चीज ला सकते हो और मैं वो चीज ले नहीं पा रहा था। बट आज दिन अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ चलिए स्कूटी लेकर चल के आज मैं फाइनली स्कूटी लेने जा रहा हूँ। आप लोग गर्मी देख रहे हो कितनी मेरे पसीने निकल रहा है, गर्मी बहुत हो रही है और बस हम लोग थोड़ी देर में निकलते हैं और यहाँ से नज़दीकी जो शोरूम है टीवीएस का वहाँ जाके देखते हैं कि हम लोग कौन सा वेरिएंट मिलता है उस स्कूटी का। तो मैं भी तो सरप्राइज कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं कौन सी स्कूटी लेने जा रहा हूँ, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ बट मैं आपको जल्दी ही दिखाता हूँ कि स्कूटी कौन सी मैं लेने वाला हूँ। और बस तो काफ़ी वेरिएंट आते हैं, और यहाँ से हम लोग सीधे शोरूम जा रहे हैं टीवीएस के। और जैसे कि आप लोग देखते हैं रास्ते में और धूप बहुत तेज है और मैं सीधे आपको शोरूम में ही मिलता हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हो साथ में हमारे चाचा जी भी जो ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर राइड और हम लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और चलते हैं और सीधे मैं आपको टीवीएस शोरूम में ही मिलता हूँ। शोरूम में आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं टीवीएस का होम शोरूम है ये, हम चाचा जी साथ आए हैं और ये आप लोग देख सकते हैं शोरूम। और मैं अब फाइनली जैसा कि लोग देख रहे हो अभी मैं यहाँ पे शोरूम में बैठा हुआ हूँ और ये हमारे सामने यहाँ के मैनेजर बैठे हुए हैं। और सर जुपिटर ग्रैंड लेने का वैसे तो मैंने प्लान बनाया था, तो सही रहेगी ये लेना? तो सर कुछ इसके फीचर्स और वेरिएंट बताइए हमारे सब्सक्राइबर को भी, हमें बताइए कि क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, हेलो सर, गुड नेम क्या है सर आपका? सर थैंक यू सर इसके लिए, तो ये इन्होंने हम लोग के लिए पानी लाए। ये इसको किसको पे लेने के सोचा, लेकिन अभी हम लोग पूरा जो है पेमेंट करके लेना था। हाँ हाँ सब जैसे कि सर बता रहे हैं, दो वेरिएंट मिलेंगे, जुपिटर ग्रैंड ड्रम होगा इसकी शोरूम कास्टिंग आपकी 58,303 रुपए होगी और डिस्क वाला मॉडल होगा इसमें, इसकी कास्टिंग होगी 62,325। जो डिस्क वाला वेरिएंट होगा उसकी कॉस्टिंग होगी 62,325 रुपए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो सुन रहे हो इन्होंने दोनों की कॉस्ट मेरे को बता दिया है। तो सर मेरे को डिस्क ब्रेक लेना है, डिस्क ब्रेक जी मैंने भी जैसे कहा था जिसमें फुल होगी वही मैं लेना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हर्षित एंड यू आर वाचिंग हैशटैग नो लिमिट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं टीवीएस के शोरूम में आया हूँ और मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि जुपिटर ग्रैंड लेनी है डिस्क ब्रेक वाली। तो आप देख सकते हो ये हो, ठीक है, आपका लुक देख सकते हो, उसका कलर देख सकते हो। अब इसके बारे में जो यहाँ के मैनेजर हैं वो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि इस मॉडल में फीचर्स क्या क्या हैं और क्या क्या इसमें क्वालिटीज हैं। तो हम लोग देखते हैं, आइए। तो ये आप लोग पूरा बाइक देख सकते हो, इसका रिव्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका कलर देख सकते हो कितना प्यारा है। हाँ, और ये हमारे मैनेजर हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये आपको पूरी चीजें बताएंगे कि कैसे क्या है इसमें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ सर बताइए इसमें क्या क्या कैसे है। जी सर नमस्कार, मैं विवेक शुक्ला जी मैनेजर होम जी सर। तो सर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं इसमें फीचर्स क्या क्या है कि जैसा कि मैंने अगर मूड बनाया लेने का तो हमारे साथ साथ जो हमारे दर्शक सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बताऊंगा तो वो भी लेने का मूड बना सकते हैं और जिस सिटी में जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां से भी ले सकते हैं। अगर कुछ कैंडिडेट नौ में है हमारे सब्सक्राइबर बहुत हैं यहाँ पे तो वो भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या वेरिएंट है, नॉर्मल जो स्वीटर है आपकी ZX और नॉर्मल उससे इसमें क्या खासियत है ग्रैंड में, तो आइए देखते हैं। फीचर्स वाइज अगर आप देखें जी, इसमें आपको जो कंपनी ने दिया है एलईडी लाइट्स दिए, एलईडी है लाइट्स है जिसकी आपकी लाइट में साथ ही साथ इसमें जो आपको मिल रहा है वो डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है जी। साथ ही आपका डिस्क ब्रेक भी आप जो चाह रहे हैं जी,
ये आपका डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपका चूजिंग करना चाह रहे हैं, ये डिस्क ब्रेक का वेरिएंट है, डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक भी दी हुई है और साथ ही इसमें नॉर्मल वाले में डिस्क ब्रेक नहीं है, उसमें ड्रम सिस्टम है, ठीक है। साथ ही आपको जो सस्पेंशन मिलता है बाइक वाला ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी दिया हुआ है इसमें, कि अगर आप लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हैं तो आपको शोल्डर पेन नहीं करना। ओके सर, साथ ही आपको जो इसका स्पीडोमीटर है इसमें भी आपको एनालॉग और प्लस डिजिटल कंसोल दोनों कंसोल दिए हुए हैं जी। हाँ फिर जैसे मैं देख रहा हूँ इकोसिस्टम दिया हुआ है, इकोनॉमी पावर मोड भी है जी, एक स्पीड है इकोनॉमिक स्पीड 30 से 50 में गाड़ी आप चलाओगे तो इकोनॉमिक मोड इसको बोलते हैं, जिसमें कि आपकी गाड़ी का बेहतर एवरेज मिलेगा। यानी कस्टमर को अच्छा एवरेज चाहिए तो वो उसका हाथ में है कि वो अपना बेहतर एवरेज अगर निकालना चाह रहा है तो इकोनॉमिक मोड में गाड़ी को चलाए। ओके और सर इसमें क्या फीचर्स हैं? इसमें आपको डिजिटल कंसोल में भी आपको इसमें ट्रिप मीटर भी लगाया है, प्लस घड़ी भी मिलती है, प्लस फ्यूल मीटर भी है, फ्यूल मीटर के साथ साथ आपको लो फ्यूल इंडिकेशन भी है, ठीक है। 5 लीटर का टैंक होता है, साथ ही साथ 5 लीटर के टैंक के साथ जैसे ही गाड़ी रिजर्व पे आती है 1 लीटर में तो आपको इंडिकेट और सर इसमें और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हों या फिर और साथ में सर इसके जो चेंज किया गया है इसकी जो सीट है जी वो भी काफी एक ही चीज की है पहले भी ऐसी थी मेरे ख्याल से पहले से थोड़ा सा डिजाइन वाला भी चेंजेस किए गए हैं ठीक है ये चीज इसमें ठीक है साथ ही साथ ग्राफिक्स इसका ग्राफिक्स डिजाइन पहले से चेंज है जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बगल में ही खड़ा हुआ है इसका पुराना मॉडल उसमें आप देख सकते हो सिर्फ जुपिटर लिखा हुआ है उसके आसपास कुछ भी नहीं है मेरा हाथ जहाँ पे उंगली दिख रही है और साथ में सेकंड थिंग जो इसमें निकल के आता है इसमें साथ में ग्राफिक्स दी हुई है जैसे जुपिटर लिखा हुआ है साथ में इसी के जस्ट ऊपर देख रहे हो आप ग्राफिक्स बहुत अच्छी बनी हुई है और सर दिखाइए क्या क्या है इसमें साथ ही इसमें जो आपका शॉकर दिया गया है वो रेयर शॉकर 5 स्टेप एडजस्टेबल भी है अच्छा ये आप देख सकते हैं तो सर इसका मीनिंग क्या है सर आप मतलब जैसे कम हाइट वगैरह भी है या अच्छा, अधिक हाइट है तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है ये एडिशनल फीचर्स इसमें दिए हैं और कंपनी ने जो एक कलर और सर इसका आप सीट वगैरह अंदर से खोल के देख सकते हैं कैसा क्या है जब आप किसी इग्निशन स्विच से जब आप राइट साइड खोलेंगे तो आपकी ये डिग्गी ओपन होगी 17 लीटर का इसका स्पेस मिलता है 17 लीटर हाँ इसमें आप सर ये जो स्पेस मिलता है लीटर में काउंट क्यों होता है ये आपका यहाँ पे जो मिलेगा आपको ये आप मोबाइल चार्जर भी लगा सकते हैं यहाँ पे मोबाइल चार्जर यहाँ मोबाइल चार्जर के लिए तो स्लॉट कटा हुआ है हमको अलग से लगवाना पड़ेगा कि यहाँ से आपको पूरा कमरे में कंप्लीट करेगा तो हम उसको लगा करके ठीक है नहीं जो ये आपके ऊपर है कि आपको लगवाना ये डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि आपको चार्ज अलग से कि इसी में है उसका चार्ज अलग से है जैसे कि हम लोग शीशा के यहाँ पे लगवाते हैं उसका चार्ज अलग से रहता है ये आपको जो मिल रहा है इसमें ये आपका शीशा मिल रहा है इसका अलग वेरिएंट इसमें मैं एक दूसरी और देख रहा हूँ वो अलग गाड़ी है वो अलग है उसका अलग रहता है इसमें मैं एक दूसरी और देख रहा हूँ चेंज हुआ है यहाँ पे सही है लॉकिंग सिस्टम भी चेंज हो गया है नाकों पे भी आपको नॉर्मल में दूसरी डिजाइन थी पहले मैंने देखा था एक लोग फ्रेंड से पास आप ऐसे ही दे रहे हैं अच्छा एक बार आप लोग देख सकते हो यार मैं दिखा रहा हूँ सर इसमें और जैसे आप देख सकते हो शीशे पे ग्राफिक्स वगैरह दे दिए काफी अच्छा लुक कर दिया है इसका वैसे तो आपको यूट्यूब पे जी जी वैसे तो आप लोगों को फ्रेंड्स से यूट्यूब पे काफी इसके रिव्यू काफी अनबॉक्सिंग वगैरह हर तरह से मिलेगा लेकिन मैं आपको रिव्यू वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ मैं खुद परचेस करने जा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया है बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको दोबारा ये दोबारा दिखाने का बस यही था आपका जी इससे फायदा आप और सेकंड जब लेफ्ट साइड करते हैं तो फ्यूल ओपन होता है जितनी बार पेट्रोल डलाना है आपको यहीं से मतलब हमें अगर पेट्रोल के लिए जाना है पेट्रोल पंप पे डलाना है तो इसका मतलब हमें या हमारे कोई कैंडिडेट पीछे पार्टनर बैठा है उसको सीट से उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी इजिली वो फटाफट काम हो जाएगा बैठे ही बैठे हो जाएगा थैंक यू सर थैंक यू सो मच आपने हमारी इतनी हेल्प करी हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको काफी समझ में आया होगा आई होप समझ में आया होगा और एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि एक लास्ट लुक और लास्ट रिव्यू मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को ग्रैंड का ये देखिए सर सर एक बार कलर बता सकते हैं कौन सा कलर है ये स्टार लाइट ब्लू कलर स्टार लाइट ब्लू कलर इसे बोलते हैं ये बहुत ही यूनिक कलर है और आप ये देख सकते हो इसमें काफी चेंजेस किया हुआ है वी हैव जो पुराना जुपिटर का मॉडल आता है आप ये देख सकते हो ये इनके पास पुराना ZX है सर ये कौन सा है नॉर्मल है ये नॉर्मल है इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल है इसमें कुछ नहीं है और आप इसको देख सकते हो इसकी जगह पर और इसके टायर ट्यूबलेस होंगे ट्यूबलेस टायर है तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी जरा एक मिनट हेलो गाड़ी स्टार्ट करना
बाद में बनाते हैं। और फाइनली स्कूटी पर बैठने का बहुत ही मजा है। और चलते हैं वहाँ तक आते हैं थोड़ा सा। तुम्हें तो कैसे भूल सकते हैं, तुम वो छोड़ देंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करें। दोनों शीशे के ऊपर से चलाओ। तो लगा रहे ऐसा बांधना की बंदी रहा है परमानेंट। ये पहले तो मम्मी अभी दो मंदिर से आते आए हैं।